आज एक मीटिंग हम लोग रखे हैं गिरिडीह में, जिसमें प्रदेश के यूथ सचिव शोएब साहब और जिला अध्यक्ष यूथ के सरताज खान साहब, हम लोग यहाँ बैठ के एक पंचायत चुनाव को लेकर के एक चर्चा किए कि जो हमारे सपोर्ट से कुछ लोग खड़े हुए हैं पंचायत में, उन लोगों तक कैसे पहुँचना है और आगे का काम पंचायत चुनाव होने के बाद हम लोग किस तरह से पार्टी के काम को यहाँ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो चर्चा यही हुआ कि आप जैसे रमज़ान था, उससे पहले आपका कोरोना था, अब क्या है कि आप कमेटी का विस्तार हो चुका है, खास करके यूथ के सब प्रदेश सचिव भी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से अब काम करना है कि हम लोग को जो हमारे जो नीचे के कैडर लोग हैं, एक एक कार्यकर्ता तक सदस्यता अभियान कैसे चले, उसके बाद हमारा काम जो ओवैसी साहब का जो एक विजन है वो हम लोग को नीचे तक पहुंचा देना है, और इसमें जितने प्रखंड लेवल पर जो है एक कमेटी बनाना है इंशाल्लाह। जब प्रखंड कमेटी बनेगी तो बूथ मजबूत होगा और हम लोग का तैयारी पंचायत में जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से हम लोग का इंशाल्लाह ताला 2024 का में इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका जिस तरह से हम लोग काम किए उसके हिसाब से आपका प्रखंड लेवल पर कमेटी बनती है और प्रखंड लेवल विधानसभा कमेटी बनती है, तो क्या होगा कि हमको आपका जो रिजल्ट में नज़र आएगा इंशाल्लाह। आज गिरिडीह में हम लोगों ने मीटिंग किया, जिसमें से प्रदेश कोषाध्यक्ष जनाब कैसर भाई और जिला युवा अध्यक्ष सरताज भाई मौजूद हैं। हम लोगों ने ये मीटिंग में आपस में एक चर्चा की, चर्चा में ख़ास मुद्दा पे बात हुआ हमारा कि पंचायत को लेकर, पंचायत में चुनाव हो रहा है, चुनाव में कैसे हम लोग सफलतापूर्वक काम करना है, ज़मीनी मुद्दे को ज़मीनी स्तर से उठाना है और कैसे अपने केडर को, अपने कार्यकर्ता को जो हमारे पंचायत में चुनाव में भागीदारी है, पंचायत में मुखिया हो या पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो या जिला परिषद हो, जो भी है, कैसे हमको हम लोगों को मिलकर उसको सफलतापूर्वक कामयाबी दिलाना है, इस मुद्दे पे हम लोग बात किए। और दूसरी बात, पंचायत चुनाव के बाद हम लोग गिरिडीह जिला को, गिरिडीह जिला में 5-6 विधानसभा है, 5-6 विधानसभा में कैसे हम लोगों को मजबूती से काम करना है और अपने कैडर को मजबूत करना है, और MIM की जो आवाज़ है, MIM का जो पहचान है, पैगाम है, उस पैगाम को हम कैसे पहुँचाएँगे, हम जन जन तक जाएँगे और अपने पैगाम को पहुँचाएँगे। आज हम लोग इसी मुद्दे पे बैठक की है, बैठक में हम लोग कोषाध्यक्ष साहब सरताज भाई मौजूद हैं, इसी विषय पे चर्चा हुआ, शुक्रिया। आज हमारे बीच में प्रदेश कोषाध्यक्ष जनाब कैसर साहब और प्रदेश युवा सचिव जनाब शोएब साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं। ये एक आपसी ईद मिलन समारोह में हम लोग इकट्ठा हुए, और जैसा कि अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, मैं बतौर युवा अध्यक्ष होने के नाते 31 मई 2022 के बाद में पूरे 13 प्रखंड जो गिरिडीह का जिला अंदर में है, सभी प्रखंड में सदस्यता अभियान चलेगी और उसके बाद सारे पंचायत में पंचायत अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। और हम लोगों की फोकस है कि इस बार गिरिडीह का 6 विधानसभा में हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उम्मीद है कि कम से कम 4 विधानसभा में हम लोग फतह हासिल करेंगे। धन्यवाद।